आदरणीय उपसभापति महोदय, संविधान संशोधन के अनुच्छेद 51 क के संशोधन को लेकर के आदरणीय श्री प्रभात झा जी जो इसको लेकर के आए हैं उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सर, ये स्वच्छता के संदर्भ में सभी लोगों ने बातें रखी है, इस सदन के सभी सदस्यों ने अपनी अपनी राय और सुझाव भी दिए हैं। सर, स्वच्छता के उपलक्ष में जितनी तरह की स्वच्छता है उस सभी तरह की स्वच्छता के संदर्भ में सभी लोगों ने, किसी ने शारीरिक स्वच्छता की बात करी, किसी ने मानसिक स्वच्छता की, किसी ने राजनैतिक, किसी ने देश की आंतर माड़खाकीय व्यवस्थाओं के संदर्भ में जो स्वच्छता का चिंतन है उसको भी रखा, किसी ने सामाजिक स्वच्छता की भी बातें करी, किसी ने न्यायतांत्रिक ढांचे में स्वच्छता की बातें करी, किसी ने धार्मिक स्वच्छता की भी बातें करी है। हर तरह की स्वच्छता के संदर्भ में ये उच्च सदन है तो उसमें सभी ने सुझाव भी दिए और अपनी अपनी राय भी रखी है सर। और अगर देखा जाए तो इस संसार में स्वच्छता के संदर्भ में जितना भी बोला जाए उतना विषय ये इतना बड़ा है कि जो भी जितना भी कह सको वो सब कम ही पड़ेगा। दरअसल आदरणीय हमारे सांसद सदस्य जी जो अपना प्राइवेट मेंबर ये लेकर के आए हैं, उनकी जो मनसा है इस संशोधन को लाने के पीछे, वह मनसा उनकी समरसता के उपलक्ष्य की मनसा, उनके मन में जो समरसता का भाव है उसको प्रकट करने का विषय इस संशोधन के माध्यम से आता है। सर, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो संशोधन में उन्होंने 51 क के मूल कर्तव्य के भाव के साथ में खंड क से लेकर के जितने भी ट तक के जितने भी संशोधन है सभी सुझावों में ये स्वच्छता के संदर्भ में जो विषय चल रहा है उसको भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य निष्ठ अधिकार, कर्तव्य निष्ठ भावना के साथ में उसको जोड़ने का प्रयास किया गया है। और सर, इसलिए आज तक सभी ने कहा कि स्वच्छता का संदेश पूज्य महात्मा गांधी बापू ने एक समय पर दिया था और उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग समुदाय के जितने भी लोग थे उनको अपने साथ में रखने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती में हरिजन आश्रम की स्थापना करके कुछ अनुसूचित जाति समुदाय वर्ग के लोगों के साथ में रहने का एक उत्तम उदाहरण भी वही हरिजन आश्रम से ही दिया था। सर, उसके बाद में ये स्वच्छता का संदेश और पूज्य बापू का जो ये एक स्वप्न था कि स्वच्छ भारत के निर्माण को और स्वच्छ समाज के निर्माण के संदर्भ में उनका जो एक स्वप्न था वह कहीं पर ओझल हो गया था। तो उसके बाद में कई देश में कई नेता आए, कई राजनीतिक और धार्मिक लोग भी आए, मगर कहीं पर हमें स्वच्छता के संदर्भ में आग्रह पूर्वक बात करने का कोई संदर्भ नहीं मिलता है। मगर सर, आजादी के 70 साल के बाद में इस देश को एक ऐसा विरल व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में मिलता है जो कि गंगा की पवित्र धारा में, पवित्र प्रयागराज के कुंभ मेले में, जहां हम माँ गंगा को पतित पावनी कहते हैं, माँ गंगा को पाप धुलने वाली मानते हैं, ऐसी माँ गंगा की पवित्र और अक्षुण अविरल धारा के साथ में पवित्र स्नान करने के बाद में उन सफाई कर्मियों का वंदना के साथ कार्यक्रम उनके पैर धोकर के किया ताकि समाज को संदेश मिले कि सबसे पहले अग्रिमता समाज की सफाई के कर्मियों को देनी चाहिए। सर, सभी ने अपने अपने सुझाव रखे, मगर एक दो सदस्यों को छोड़ करके हनुमंत जी और वत्स साहब ने कहा कि इस सफाई के काम को करने वाले जितने भी सफाई कर्मी है
मुझे गौरव है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने आदरणीय अटल जी की सरकार से लेकर के आज तक की सरकारों में, चाहे सफाई कर्मियों के आयोग का संदर्भ हो या फिर उनकी वंदना करने का कार्यक्रम हो, हर जगह पर कहीं ना कहीं ये समरसता के विचार को लेकर के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ही मानसिकता को दिखाएंगे और वास्तविक रूप से उसको सामाजिक स्तर पर अमल करने के लिए उनकी एक अलग से दिशा होती है। और इसलिए आज इस स्वच्छता के संदर्भ में कुछ बातें सर मैं सफाई कर्मियों के संदर्भ में रखना चाहता हूं। सब लोग कह रहे थे कि सफाई के काम को किसी एक वर्ग समुदाय के और किसी एक जाति समुदाय के लोगों के साथ में जोड़ करके देखा जाता है। दरअसल सर वास्तविकता तो यही है कि जब सफाई काम की बात आती है तो किसी एक वर्ग समुदाय के लोगों को ही हम नजर में लेते हैं। सर ये किस समाज के लोग हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको ये सफाई काम करने में कितनी दिक्कतें भुगतनी पड़ती हैं, ये सब स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए उनके अधिकारों का रक्षण करना और उनको हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाना, ये भी एक स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने का एक अलग से पहलू है। परसों ही मुझे भारत देश में रहने वाले अलग अलग राज्यों के सफाई कर्मचारियों के असंगठित रूप के लोग जो थे वो मुझे मिलने आए थे। उन्होंने कहा था कि शिविर में काम करने के लिए लोग उतरते हैं तो जहरीले गैस के कारण कई ऐसे सफाई कर्मियों की मौत बेमौत मर जाते हैं और कोई उनकी चिंता सुद्धा नहीं करता है। उनके स्वास्थ्य के लिए आज तक किसी ने कोई सुविधा की कोई चिंता नहीं करी है। नगर पंचायत, नगर निकाय हो, महानगर पालिकाएं हो, प्रत्येक एकमों में हजारों की तादाद में सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, मगर सर वो सभी कर्मचारी जो हैं वह कच्चे काम के कर्मचारी हों और उनको दैनिक भत्ता दिया जाता है, उनको मासिक तनख्वाह तक नहीं मिलती। ये उनकी समस्याएं हैं। वह सभी कर्मचारी हंगामी कर्मचारी है, कच्चे काम के कर्मचारी हैं। उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधा के लिए किसी प्रकार की कोई योजना का कोई भी आज तक किसी ने पहल नहीं किया है। सर मुझे गौरव है, मैं जिस गुजरात से आता हूं, गुजरात के अंदर जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में सभी बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन और जितने भी हमारे आर्थिक स्तर से जो निम्न स्तर के लोग हैं उनकी सहायता के लिए ये आयुष्मान भारत की योजना के तहत जो लाभान्वित किया, वैसे ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय विजय भाई रूपाणी जी ने भी मां कार्ड का लॉन्चिंग करके जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनको 5 लाख रुपये तक की सुविधा मुहैया करवाई है और सभी को आरोग्य के संदर्भ में चिंता करते हो सबको लाभान्वित किया। तो सर यहां सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य की भी चिंता करने का विषय आता है। सर उनकी सैलरी का कोई ठिकाना नहीं होता है, दैनिक भत्ते पर उनको रखा जाता है, उनके आवास की कोई व्यवस्था नहीं करी जाती है। सर मैंने पिछले दिनों मेरे गुजरात के बड़ौदा जिले के डभोई तहसील के थुआवी गांव में विजिट करी थी, जहां एक साथ 7 कर्मी की दुर्घटनावशात मृत्यु हो गई थी। तत्काल रूप से हम सभी लोग सर वहां गए थे और सभी ने वहां की मुलाकात करी और मुलाकात करने के बाद में प्रत्येक जो पीड़ित था उस परिवार के उस व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति दीठ 27 लाख रुपये की सहाय मुहैया करवाई थी। लोगों की आंख में आंसू थे सर, लोग यही कह रहे थे कि अगर इनके पास में लंदन अमेरिका या फिर किसी विदेश का यूरोपियन कंट्री का या फिर अमेरिकन कंट्री के जैसे उपकरण इनके पास में होते और उपकरण लेकर के अगर ये सीवर में टैंक में उतरते तो इनकी मृत्यु नहीं होती है। सर मैंने देखा है कि एक लड़का तो इतना छोटी उम्र का था
कि अभी तो उसकी शादी हुई है और 9 महीना तक नहीं हुआ, उसकी बीवी पेट से है और उसका निधन हो जाता है गैस दुर्घटना में, तब दिल में दुख और होता है और दर्द भी बहुत बढ़ जाता है कि किस मानसिकता के साथ में ये समाज जीता है। जहां तक हमारे आदरणीय सदस्य सांसद महोदय प्रभात जी जो ये विषय को लेकर के आए हैं, उसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता के साथ में जोड़ने के लिए, कर्तव्य भाव से जुड़ने के लिए एक बोध मिलता है और चलने के लिए हमें एक अनुशासित आदेश मिलता है। सर, ये सामाजिक विकृति है कि हम छुआछूत की भावना को लेकर के चलने वाले देश में रहते हैं। ना जाने किस समाज की यह व्यवस्था कहां से आई है, मैं पिछले इतिहास में जाना नहीं चाहता हूं सर, मगर यह देश ऐसी बड़ी विरासत का देश है जहां पर भगवान श्री राम की कथा है, इसी समाज से आने वाले ऋषि वाल्मीकि ने लिखी है और इसी समाज के लोगों को ऋषि का दर्जा भी मिला है। और रामायण का गान हम करते हैं तो वाल्मीकि रामायण का नाम लेकर के सबसे पहले भगवान श्री राम की कथा का आरंभ होता है। और ऐसी पवित्र मानसिकता वाले इस देश में आज ना जाने कहां से ऐसी विकृतियां आ गई है कि समाज खंड खंड विभाजित दिन प्रतिदिन होते जा रहा है। हमारे माननीय मित्र आदरणीय किसी सांसद ने चतुर्वर्ण की व्यवस्था की बातें करने का प्रयास किया है, मगर आज देश को संवैधानिक रूप से पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो ये पहल करी है समानता के अधिकार की, उससे एक कदम आगे बढ़ करके समरसता के रूप में इस देश को ले जाने का प्रयास करने के लिए ऐसे संवैधानिक संशोधन लेकर के हमारे सदस्य महोदय आए हैं। सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हर तरह की स्वच्छता का अभियान आज छेड़ा जा रहा है, तब उन स्वच्छता के काम के साथ में जुड़े हुए जितने भी असंगठित कर्मचारी हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से काम करने वाले ऐसे लोग हो जो सामाजिक एवं अन्य नाना विध प्रकार की स्वच्छता की जिम्मेवारी उठाते हैं, ऐसे सभी लोगों को सर मुझे गौरव है, अभी इस मानसिकता को भी स्वच्छ करने की आवश्यकता है कि पूज्य महात्मा गांधी की हत्या का जब भी संदर्भ आता है तब लोग किसी एक संगठन के ऊपर उंगली उठाते हैं, उस मानसिकता का भी स्वच्छता के आधार पर तहत उस मानसिकता को भी स्वच्छ करने का समय आज आ गया है। और हमने हमने आदरणीय रमेश जी, हमने हर हमारे प्रत्येक सांसदों ने हर गांव में जाकर के पूज्य महात्मा गांधी जी के संकल्पों को साकार करने के लिए गांधी संकल्प यात्रा करी है और प्रत्येक सांसद 200 कोई 200 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर, कोई 125 किलोमीटर चल करके गया है और हर गांव में गया है और पूज्य बापू का संदेश हर गांव में प्रत्येक सांसद ने दिया है। और इसलिए पूज्य महात्मा गांधी जी के स्वच्छता का जो मिशन है, वास्तव में 70 साल के बाद में आज पहली बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी लेकर के पूरे देश में सभी सांसदों के साथ में गए हैं, तब उसी अवसर पर आदरणीय प्रभात जी जो ये बिल के संशोधन को और जो संशोधन की जो विषय है नागरिक धारा को लेकर के, उसमें कर्तव्य बोध की भावना को लेकर के समरस समाज की कल्पना को साकार करने के लिए आए हैं, उसका तय दिल से मैं समर्थन करते हुए मेरी बात को पूरी करता हूँ। आपको प्रणाम और वंदन।